यहाँ पे सबसे पहले हम वुड एंड टिम्बर में डिफरेंस देखेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो टिम्बर है वो वुड का ही एक टाइप होता है जिसको हम क्या है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो टिम्बर है वो टू टाइप्स के ट्री से हम ऑब्टेन करते हैं, और जो दो टाइप के ट्री होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो जो टिम्बर है उसको दो टाइप के ट्रीज से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक होता है एंडोजीनियस ट्री, दूसरा होता है एक्सोजीनियस ट्री। जो एंडोजीनियस ट्री है इनको हम बोलते हैं आउटवर्ड ग्रोइंग ट्री, और जो एक्सोजीनियस है इसको हम बोलते हैं इनवर्ड ग्रोइंग ट्री। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो जो एंडोजीनियस ट्री है इनकी जो लेंथ में ग्रो होती है वो कड़ियों के रूप में होती है, जॉइंट्स के रूप में होती है, और जो एक्सोजीनियस है इसकी थिकनेस एंड लेंथ दोनों में ग्रोथ होती है। अगर एक्सोजीनियस ट्री है ये क्या है अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, और जो एंडोजीनियस है वो बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं आउटवर्ड ग्रोइंग ट्री। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेम्बू, पाम। ये किसके एग्जाम्पल है एंडोजीनियस के, एक्सोजीनियस है इसके एग्जाम्पल में आते हैं ओक, सीसम, साल, चिर, ये सब आएंगे एक्सोजीनियस ट्री में। एक्सोजीनियस ट्री को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं जिसमें आता है कोनीफर, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवुड, एंड सेकंड इसमें होता है हार्डवुड जिसको हम बोलते हैं डेसीडियस ट्री। अगर इनके डिफरेंस की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लीव्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके जो लीव्स है वो नीडल लाइक होती है, नीडल लाइक, और हार्डवुड है या जो डेसीडियस ट्री है इनमें जो नीडल लीव्स होती है वो ब्रॉड लीव्स होती है। यानी इसमें कोनीफर में, कोनीफर का मतलब होता है जो शंकुधारी जो एवरग्रीन वाले जो ट्री होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, और हार्डवुड वाले यानी जो डेसीडियस ट्री है इनमें क्या होता है कि एटम में तो सारी पत्तियां लीव्स है वो गिर जाती है, एंड जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें क्या है वापस से आ जाती है। अगर हम इनकी बात करें एनुलर रिंग की, तो जो सॉफ्टवुड है इसमें क्या होती है जो एनुलर रिंग है वो डिस्टिंक्ट होती है, यानी अलग अलग होगी, बट जो हार्डवुड है इसमें नॉट डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नहीं होती है, मतलब सेपरेटली विजिबल नहीं होती है इसके अंदर। अगर आगे हम इसकी बात करें कलर की, तो इसका जो कलर है वो लाइट होता है सॉफ्टवुड का, और जो हार्डवुड है इसका कलर क्या होता है डार्क होता है। वेट की बात करें तो इसका वेट कम होता है और इसका वेट ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम जनरली कौन सी टाइप की वुड यूज़ करते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं हार्डवुड। और अगर हमें कोई भी फर्नीचर बनाना है या फिर स्पोर्ट्स के लिए कुछ अपनी कुछ चाहिए तो उसमें हम कौन सी वुड यूज़ करेंगे, सॉफ्टवुड या कोनीफर। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवुड में जो एग्ज़ाम्पल है वो है चिर, देवदार। ये किस में आएंगे, सॉफ्टवुड में आएंगे। इसमें एक और देख लेना पाइन, और जो हार्डवुड है इसमें आएंगे टीक, सीसम, ओक, ठीक है, साल, ये सब किस में आएंगे हार्डवुड में आएंगे। तो ये इनमें डिफरेंस था जो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। ये जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा ये ट्री के लिए है। अब हम देखेंगे कि जो टिम्बर है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, फर्स्ट
फर्स्ट इसमें आएगा बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। ठीक है, टिम्बर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ रही है उस बेसिस पे टिम्बर को क्लासिफाइड किया गया है। तीन क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास सी, जो क्लास ए है इसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के। जो क्लास बी है इसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है ये वेरी करती है 9.8 से 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और जो क्लास सी है इसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी वैल्यू वेरी करती है 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे तीन टाइप की क्लास होती है। ए में रहेगा 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा वाले, बी में रहेगा 9.8 से 12.5 के बीच में, और सी में रहेगा 5.6 से और 9.8 के बीच वाले। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है पर ईयर टिम्बर उसके बेसिस पर है। तो इसमें आता है अक्स, क्लास वाई, क्लास जेड। अक्स का मतलब होता है मोस्ट कॉमन, अक्स का मतलब मोस्ट कॉमन, वाई का मतलब कॉमन और जेड का मतलब होता है लेस कॉमन। अगर जो टिम्बर है वो 14-15 मीटर क्यूब से ज़्यादा या इक्वल अवेलेबल है पर ईयर तो वो किस में आएगा, मोस्ट कॉमन या क्लास एक्स में आएगा। वाई का मतलब होता है कॉमन क्लास, और इसमें आती है जो अवेलेबिलिटी आती है वो आती है 355 से 1450 मीटर क्यूब पर ईयर, और लेस कॉमन में क्या रहता है, लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर। ठीक है, ये जो डेटा मिलता है ये हमें जो फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये डेटा लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ट्री, बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है इसमें भी तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा होता है कन्वर्टेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर एंड थर्ड इसमें होता है रफ टिम्बर, रफ टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कि जब तक हम टिम्बर को ट्री से सेपरेट नहीं करते तो वो किस में आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर में आएगा। कन्वर्टेड टिम्बर में क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं रफ टिम्बर। रफ टिम्बर में होता है कि जब हम पेड़ को काट देते हैं, फेलिंग ट्री आता है वो किस में आएगा, रफ टिम्बर में आएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, फेलिंग ट्री को हम क्या है, सुटेबल शेप एंड साइज प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किस पे बेस्ड है, पोजीशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ ऑफ टिम्बर, एवरेज लाइफ ऑफ टिम्बर। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टिम्बर के लिए स्पेसिमेन यूज करते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन, उसकी जो साइज होती है, टेस्ट स्पेसिमेन इसकी जो साइज होती है वो होती है 600 mm by 50 mm by 50 mm। ये एक बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये हम टेस्ट स्पेसिमेन के साइज लेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं इस टिम्बर को हाफ लेंथ, हाफ लेंथ का मतलब 300 mm लेंथ तक हम उसको ज़मीन में गाड़ कर रख देते हैं। उसके बाद हम क्या है उसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करेंगे। तो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है हाई ड्यूरेबल, जिसको आप क्लास ए भी कह सकते हो, मॉडरेट ड्यूरेबल और लेस ड्यूरेबल या लो ड्यूरेबल। लो ड्यूरेबल ये किस में आ जाएगा? ये क्लास बी में आ जाएगा, ये क्लास सी में आ जाएगा। हाई ड्यूरेबल में होता है कि ये जो स्पेसिमेन है इसकी एवरेज लाइफ अगर 10 ईयर के इक्वल या 10 ईयर से ज़्यादा आ रही है तो वो आएगा हाई ड्यूरेबल में या फिर क्लास ए में। अगर इसकी जो एवरेज लाइफ आ रही है अगर वो 5 to 10 ईयर के बीच में वेरी कर रही है तो वो आ जाएगा मॉडरेट ड्यूरेबल या क्लास बी में। और अगर इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 5 ईयर से कम आ रही है तो ये आ जाएगा लो ड्यूरेबल और क्लास सी में। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो टिम्बर है उसको किस किस टाइप की ट्री से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था। अभी हमने देखा है टिम्बर का क्लासिफिकेशन, अब हम देखेंगे कि जो टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, तो जैसे जो ट्री है इसमें क्या है, यहाँ पर रूट्स होंगी, यहाँ पे अंदर ब्रांच होगी, लीव्स होगी इस पर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्टीम या ट्रंक, स्टीम और ट्रंक, ठीक है। तो जब इसको हम इस तरीके से काटते हैं, ये अपने पास जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। तो इसके लिए देखिए आपके पास में ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से इसमें होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक होता है पिथ या मेडुला, इसके बाहर, इसके अलोंग सराउंडिंग बहुत सारी क्या होंगी, एनुअल रिंग्स होगी। जो इसमें कुछ जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो कुछ क्या होती है, डार्कर होती है और कुछ लाइट होती है। तो जो डार्कर वाली आती है वो तो हार्डवुड में आ जाएगी और जो लाइट वाली है वो किस में आ जाएगी, सैपवुड में आ जाएगी। ये इसमें क्या है, पिथ मेडुला। इसके बाद में ये जो डार्क कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हार्डवुड, हार्डवुड। जो लाइटर वाला दिख रहा है वो क्या है, सैपवुड। इसके बाहर जो लेयर दिख रही है वो है कैम्बियम लेयर, और जो प्रोटेक्टिंग लेयर है सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क में भी देखिए, बाहर के साइड से देखेंगे तो आउटर बार्क और अंदर के साइड से देखेंगे तो वो होगी इनर बार्क। इसके अलावा यहाँ से देखिए पिथ से कुछ आपके पास में इस तरीके से, इस तरीके से, तो इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। और ये सारी बहुत सारी और रिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम, एनुलर रिंग। तो अब इनमें डिफरेंस की बात करें तो जो पिथ है या जो मेडुला है ये क्या है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। जब ट्री यंग एज में होता है, यंग एज में, तो इस पिथ में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट रहता है जो इसकी ग्रोथ में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट यंग एज में उसके बाद ये पिथ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे जैसे ट्री, जैसे जैसे प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट होता है। प्लांट कब बोलेंगे, जब वो यंग एज में हो, जब वो प्रॉपर हो जाए, मेच्योर हो जाए, उसके बाद में वो क्या है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्लांट के केस में तो क्या है, पिथ है ये क्या है, उसकी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और जब ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो पिथ क्या होता है, डेड हो जाता है।
और उसका कलर है वो डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यंग एज में इसका ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है, बट मैच्योरिटी के बाद में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ग्रोथ में। ये तो फिथ हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं हार्डवुड, ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ट्री की ग्रोथ में हार्डवुड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट ये ट्री को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? हार्डवुड प्रोवाइड करवाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, हार्डवुड का जो कलर है वो डार्कर होता है कंपेयर टू सैफवुड। आगे हम देखते हैं सैफवुड, सैफवुड तो ट्री की ग्रोथ में सैफवुड का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सैफवुड का। और धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे ट्री की एज इंक्रीज हो जाती है या बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि सैफवुड है वो किस में कन्वर्ट होता जाता है? हार्डवुड में कन्वर्ट होता जाता है। यानी कि जो ये रिंग्स है इनका जो कलर है वो डार्कर होने लग जाता है। उसके बाद में आता है कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर तो कैम्बियम लेयर है ये क्या करेगा, कुछ कैम्बियम लेयर है वो सैफवुड बनाएगी और कुछ कैम्बियम लेयर है वो इसके जो आउटर सरफेस है जिसको हम बार्क बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्बियम लेयर का भी ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। लास्ट में हम देखते हैं बार्क, तो बार्क क्या है, ये ट्री को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में आती है इसमें जो एनुलर रिंग है उनका वर्क होता है। एनुलर रिंग की काउंटिंग करके हम जो ट्री है उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। मेडुलरी रे, मेडुलरी रे क्या करती है कि जो सैप है उसको बार्क से पित्त की ओर कन्वे करती है। तो ये इन सब का वर्क होता है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको इसका और जो सीक्वेंस है लेयर्स का वो ध्यान रखना है। इनर मोस्ट होता है वो होगा पित्त, फिर इसके बाद में आएगा हार्टवुड, इसके बाद में सैफवुड, कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर और लास्ट में आता है बार्क, बार्क। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या पूछ लेते हैं जैसे जो सैफवुड और बार्क के बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, या पिथ और सैफवुड के बीच की जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रहेगा तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन देखा। आगे अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर। प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, तो इसमें देखिए प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम सीजनिंग के लिए रखेंगे, सीजनिंग ऑफ ट्री। इसके बाद में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ट्री। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री। तो ये इसका प्रोसेस होता है टिम्बर का। सबसे पहले हम क्या है, ट्री को काटते हैं, उसके बाद में उसको सुखाते हैं, फिर उसको सुटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। ये प्रोसेस है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, फेलिंग ऑफ टिम्बर। फर्स्ट जो है स्टेप उसमें आता है फेलिंग ऑफ ट्री। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कभी भी ट्री को ओवर मेच्योर्ड या अंडर मेच्योर्ड कंडीशन में उसको नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर ओवर मेच्योर्ड होगा तो टिम्बर का डिके होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर अंडर मेच्योर्ड होगा तो वो जो स्ट्रेंथ हमको रिक्वायर्ड है
वो प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, ओवर मेच्योर्ड एंड अंडर मेच्योर्ड, दोनों ही कंडीशन में हम टिम्बर को नहीं काटेंगे, क्योंकि ओवर में काटेंगे तो टिम्बर का डिके स्टार्ट हो जाता है, और अगर अंडर मेच्योर्ड है तो वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, और ये प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो हम जो प्रॉपर मेच्योर ट्री है उसको ही हम काटेंगे। तो प्रॉपर मेच्योर ट्री के लिए जो ड्यूरेशन माना जाता है, जो लाइफ स्पान माना जाता है, वो 50 to 100 ईयर, मतलब प्लांट जब से हमने सोइंग किया है उसके बाद से अगर 50 to 100 ईयर हो जाती है, तो उसके बाद हम इस ड्यूरेशन में हम ट्री को काट सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हम प्रॉपर मेच्योर ट्री को यूज़ करेंगे। इसके बाद में देखिए कि जो हम फेलिंग करते हैं या जो ट्री को हम काटते हैं, तो वो कौन से सीजन में काटते हैं, क्या टाइमिंग होना चाहिए। तो अगर हिली एरिया में बात की जाए, हिली एरियाज में, तो वहाँ पर हम जो कटिंग करते हैं या जो फेलिंग ऑफ टिम्बर करते हैं वो मिड विंटर में करेंगे, सॉरी मिड समर में करेंगे, मिड समर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिली एरियाज में क्या होता है कि जब विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे बर्फबारी होती है या फिर हेवी रेनफॉल होता है, तो इस वजह से वहाँ पे विंटर सीजन में हम जो ट्री है उसकी फेलिंग नहीं कर सकते। अगर प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज, तो वहाँ पर हम मिड विंटर में करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर समर में वहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो मॉइस्चर कंटेंट हमें जितना रिक्वायर्ड होता है उससे बिलो लिमिट में वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिली एरियाज़ के लिए, स्पेसिफाइड हिली एरियाज़ के लिए पूछा जाए तो फेलिंग ऑफ टिम्बर करेंगे मिड समर में, प्लेन एरियाज़ के लिए पूछा जाए तो मिड विंटर में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो मिड समर एंड मिड विंटर दोनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आपको ऑप्शन में दिया होगा जो सेप का मूवमेंट होता है, जो सेप का मूवमेंट होता है वो जिस टाइम ड्यूरेशन में कम होता है वो कब होगा, या तो मिड समर में होगा या मिड विंटर में होगा, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, इसकी फेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये फेलिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टिम्बर की कटाई का जो सुटेबल टाइम है वो क्या होता है, प्लेन एरिया के लिए और हिली एरिया के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसमें, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर से मतलब है कि जो टिम्बर फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं, फेलिंग ऑफ ट्री, तो यहाँ पर जो टिम्बर मिलती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट रहता है वो 50 to 60% ऑफ इट्स वेट, इसके वेट का 50 to 60% उसमें मॉइस्चर कंटेंट या फिर सैप प्रेजेंट होता है। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को या जो सैप है उसको रिड्यूस करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। यानी हम क्या कर रहे हैं, वो टिम्बर है उसको हम ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम सीजनिंग बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया सैप, तो सैप क्या होता है, एक विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड, ठीक है। तो जब फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, विस्कस लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनिशियली जो प्रेजेंट है वो क्या है, 50 to 60% है इसमें जो मॉइस्चर है, तो उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होंगे हमें, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें या बेनिफिट्स की बात करें, तो क्या होगा, जो इसका वेट है, वॉल्यूम है, ये क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी,
इसकी जो वर्केबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा इसका जो डिके या स्प्लिटिंग, रैपिंग, ये भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर हम सीजनिंग करेंगे तो उसके हमें क्या बेनिफिट होंगे, क्या एडवांटेज हो गए। तो जो वेट और वॉल्यूम है वो टिम्बर का रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और उसकी वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो डिक्के है या जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिट हो जाती है, और या रैपिंग हो जाती है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि जो सीजनिंग करते हैं टिम्बर के, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है नेचुरल सीजनिंग और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग है, इसके भी दो मेथड होते हैं, एक होता है एयर सीजनिंग और दूसरा होता है वाटर सीजनिंग। जो आर्टिफिशियल है इसमें होता है किल्न सीजनिंग, बॉइलिंग सीजनिंग, बॉइलिंग को आप स्टीम सीजनिंग भी बोल सकते हो, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल में आएगा एयर एंड वाटर, आर्टिफिशियल में किल, बॉइलिंग या स्टीम, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल सीजनिंग, जिसमें एयर एंड वाटर सीजनिंग है। एयर सीजनिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रीज है उनको हम शेडेड एरिया में स्टे करेंगे, और ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो सके। उसके बाद में आता है वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में कोई भी फ्लोइंग स्ट्रीम है, सपोज दैट इस तरीके से कोई स्ट्रीम जा रही है, तो इसके अंदर हम टिम्बर को क्या करेंगे, इमर्ज करवा देंगे। तो ये जो स्ट्रीम का वाटर है वो जो टिम्बर में जो सैप प्रजेंट है उसको अपने साथ फ्लो करके ले जाएगा, और लास्ट में जो टिम्बर में प्रजेंट रहेगा, इस टिम्बर में वाटर प्रजेंट रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, एयर में ड्राई कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो सैप है वो क्या एक विस्कस लिक्विड होता है, तो वो ईजिली इवोपरेट नहीं होता, बट जो वाटर है वो ईजिली इवोपरेट हो जाता है। तो ये जो वाटर सीजनिंग है इसमें जो सीजनिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। जो एयर सीजनिंग है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट हम रिड्यूस कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट वो 12-15% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो इनिशियल कितना प्रजेंट होता है जब फेलिंग ऑफ टिम्बर करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50% तक प्रजेंट होता है, तो उसको हम रिड्यूस करके 12-15% लिमिट तक लेकर आ सकते हैं। सेकंड इसमें आता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10-12% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो किल्न सीजनिंग, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, और किल्न सीजनिंग में हम किसी भी डिजायरेबल मॉइस्चर कंटेंट तक हम अचीव कर सकते हैं। इसमें किल्न के अंदर क्या होता है, जो टिम्बर है उसका ड्राई किया जाता है। सेकंड इसमें आता है बॉइलिंग और स्टीम सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको बॉइल करेंगे, या फिर जो स्टीम वाटर है उसका हम स्प्रे करवा देते हैं, और इस तरीके से जो ट्री है उसको सीजन किया जाता है, ड्राई किया जाता है। थर्ड इसमें आता है केमिकल सीजनिंग। तो इसमें हम साल्ट सीजनिंग भी बोलते हैं, इसमें हम साल्ट को यूज़ करते हैं सीजनिंग के लिए। और फोर्थ आता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या करते हैं, जैसे ये कोई प्लांक है तो इसके दोनों एंड्स पे क्या है, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देती, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और उस हीट की वजह से क्या होगी, ये जो ट्री है वो ड्राई अप हो जाती है। इस केस में देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे हीट है, हीट जनरेट हुई, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और ये क्या होगा, इधर वाला पोर्शन कोल्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है
उसमें जो टिम्बर है उसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे जो एक्सपेंसिव होती है वो कौन सा मेथड होता है, तो वो बॉइलिंग वाला होता है। लार्ज स्केल पे जो यूज किया जाता है वो किल्न सीजनिंग होता है। इससे हम किसी भी डिजायरेबल मॉइस्चर कंटेंट तक उस टिम्बर को ड्राई कर सकते हैं। तो ये था अपना सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं थर्ड जो प्रोसेस था इसमें। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, थर्ड था इसमें कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। जब हम टिम्बर को कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या होता है। तो जो फेलिंग ऑफ टिम्बर है उसके बाद हम क्या करेंगे, सीजनिंग करेंगे। तो उस ट्री को हम सुटेबल सेट एंड साइज जो प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। इसके अगर मेथड्स की बात करें तो इसमें होता है ऑर्डिनरी सोइंग, सेकेंड आता है इसमें टेंजेंशियल सोइंग, थर्ड इसमें है रेडियल सोइंग एंड फोर्थ है क्वार्टर सोइंग। तो ये ध्यान रखना है सोइंग के मेथड। अब देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ऑर्डिनरी सोइंग है उसमें क्या है, हम इस तरीके से कट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टेज है इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बस उतना ही बता रही हूँ मैं आपको। तो ऑर्डिनरी सोइंग में आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टेज है टिम्बर का वो मिनिमम होता है। अगर वेस्टेज मिनिमम है इसका मतलब क्या है कि ये सोइंग का जो मेथड है वो क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है ये। तो ऑर्डिनरी सोइंग में आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाद में हम देखते हैं टेंजेंशियल सोइंग। टेंजेंशियल सोइंग में जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो एनुलर रिंग है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो मॉडुलरी रे है वो भी क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या आएगी, कम आएगी। तो सबसे कम स्ट्रेंथ किस केस में आती है, जब हम टेंजेंशियल सोइंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए रेडियल सोइंग। रेडियल सोइंग में मेडुलरी रे के अलोंग हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं और कटाई करते हैं, ठीक है। यह आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम आएगी क्योंकि यहाँ पे जो मेडुलरी रे है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। सेकंड आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेस्टेज आएगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वार्टर सोइंग में क्या करते हैं कि जो भी आपके पास टिम्बर है उसको पहले क्या है, आपको जैसे ये क्रॉस सेक्शन है तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद में वन बाय वन इसकी क्या करनी है, ऑर्डिनरी सोइंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको चारों कन्वर्जन के मेथड याद रखने हैं, जिसमें यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर में। नेक्स्ट था प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि टिम्बर को प्रोटेक्ट करना, किससे, जो फंगल अटैक हो रहे हैं, जो इंसेक्ट की वजह से जो भी उसमें डिफेक्ट आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करवाना, उन सब से वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर से हम क्या करते हैं कि टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी है या जो उसकी एवरेज लाइफ स्पान है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव में देखें या तो क्या होते हैं, ऑयल प्रिजर्वेटिव होते हैं या फिर होते हैं वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन।
जो प्रिजर्वेशन है उसके क्या क्या मेथड है? मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो इसमें देखिए प्रेशर प्रोसेस, ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं देखना है। इसमें दो मेथड आते हैं, एक तो होता है इम्पटी सेल मेथड, इम्पटी सेल प्रोसेस, और दूसरा होता है फुल सेल प्रोसेस या मेथड। जो इम्पटी सेल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रूपिंग प्रोसेस या रूपिंग मेथड, और जो फुल सेल है उसको हम बोलते हैं बेथल प्रोसेस। एक तो इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं कि जो इम्पटी सेल प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रूपिंग, और जो फुल सेल प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे बेथल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो टिम्बर है उसको हम क्या करेंगे, एक क्लोज कंटेनर में रखेंगे। अंडर प्रेशर हम क्या है, जो प्रिजर्वेटिव है उनको टिम्बर के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, प्रेशर प्रोसीजर में होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सरफेस सबमर्ज। नेक्स्ट इसमें देखिए आप आता है सोकिंग ट्रीटमेंट, सोकिंग ट्रीटमेंट। इसमें क्या करेंगे कि कुछ वाटर सोल्यूबल या जो ऑयल प्रिजर्वेटिव है वो लेंगे, और उसमें क्या जो भी टिम्बर है जिनको हमें प्रिजर्व करवाना है उनको हम कम्प्लीटली इमर्स कर देते हैं। तो वो एक लिमिट तक क्या करेंगे, अब्जॉर्व करेंगे, तो उस अब्जॉर्व करने के बाद में हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये वो जो टिम्बर है वो क्या होती है, प्रिजर्व हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस मेथड। कुछ जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसको हम सरफेस पे प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ब्रशिंग। ब्रशिंग में हम क्या करते हैं कि दो कोट, टू कोट्स टिम्बर पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। टू कोट्स का मतलब जैसे पहले हम क्या करेंगे उस पर कोई भी प्रिजर्वेटिव वो अप्लाई करेंगे, और वो सूखने के बाद में दूसरी बार हम उसको अप्लाई करते हैं। तो टू कोट्स में हम क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। उसके बाद में इसमें सेकेंड आता है स्प्रेइंग, कि एक स्प्रे बॉटल लेते हैं और उससे क्या करेंगे, जो भी प्रिजर्वेटिव है उसको टिम्बर सरफेस पे हम क्या करवा देंगे, स्प्रे करवा देते हैं। और थर्ड इसमें आता है सोकिंग। तो जैसे सोकिंग ट्रीटमेंट पे था, सेम यहाँ भी वही होता है कि हम क्या करेंगे कि जो भी टिम्बर है उसको उस प्रिजर्वेटिव में हम इमर्ज करवा देंगे, एक लिमिट तक वो अब्जॉर्व करेगा, उसके बाद में हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये आता है सरफेस मेथड में। उसके बाद में आता है थर्ड जो मेथड है, ASCU ट्रीटमेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई भी हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते। ये मैन मेड प्रिजर्वेटिव है, जिसमें क्या करते हैं वन पार्ट हम लेंगे आर्सेनिक, पेंटा AS2O5, पेंटा ऑक्साइड का वन पार्ट प्लस थ्री पार्ट हम इसमें लेंगे कॉपर सल्फेट का, एंड फोर पार्ट हम इसमें लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इससे एक क्या पाउडर फॉर्म बनता है, देखिए ये आपको ध्यान रखना है। एक पार्ट हम लेते हैं आर्सेनिक और पेंटा ऑक्साइड, तीन पार्ट हम लेंगे कॉपर सल्फेट का, फोर पार्ट हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो या इससे हम क्या बनाएंगे, एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं। उस पाउडर को हम क्या करेंगे, सिक्स पार्ट ऑफ पाउडर यहाँ से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ASCU पाउडर, ASCU पाउडर। तो सिक्स पार्ट ऑफ ASCU पाउडर प्लस 100 पार्ट्स ऑफ वाटर।
तो ये एक क्या हो जाएगा फिर, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको हम स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रशिंग से यूज़ कर सकते हैं, या सोकिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है, कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ASU ट्रीटमेंट है ये क्या है, मैन मेड ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें हमने कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया। एक पाउडर फॉर्म में हम ASU पाउडर बनाते हैं, जिसमें वन पार्ट क्या होता है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का होता है, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट का होता है, और 4 पार्ट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें क्या करेंगे, 6 पार्ट के इस पाउडर का लेंगे और 100 पार्ट हम वाटर का लेंगे। उसके बाद में जिस भी टिम्बर को हमें प्रिजर्व करवाना है उस पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, तो इसमें क्या करते हैं हम, केरोसोट ऑयल प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, और किसी टैंक में हम ये ऑयल प्रिजर्वेटिव लेंगे। उसके बाद में जो टिम्बर है उसको इमर्ज करवाएंगे, कम्प्लीटली इमर्ज करवाएंगे, ठीक है, कोल्ड फॉर्म में लेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 85 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस तक उस टैंक के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या एक तरह से बॉइलिंग करेंगे, और उसके बाद में उसके हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में आता है चेयरिंग, एक होता है टेयरिंग और क्रियोसोटिंग। थोड़ा थोड़ा इनमें आपको ध्यान रखना है। चेयरिंग में कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि टिम्बर की जो अपर सरफेस है उसको बर्न किया जाता है, 15 mm डेप्थ तक बर्न किया जाता है, ठीक है। टेयरिंग में हम क्या करते हैं, जो कोल टार है उसको हम यूज़ करते हैं इन द हॉट फॉर्म। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उस केस में कोल टार को हम टिम्बर पे अप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेयरिंग। केरोसोटिंग में क्या होता है कि जो टिम्बर है उस पर हम केरोसोट ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके कोटिंग करेंगे, उसकी लेपिंग करेंगे, वो किस में आएगा, केरोसोटिंग में आएगा। तो ये प्रिजर्वेशन के मेथड है जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे बताया गया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इतना किसी भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसके लिए सफिशेंट है। आगे हम देखते हैं देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो टिम्बर है उसको कहाँ से हम ऑप्टेन करते हैं, तो ट्री से ऑप्टेन करते हैं। फिर हमने ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि जो टिम्बर है उसका क्लासिफिकेशन देखा था, जिसको किस किस बेस्ड पे हमने क्लासिफाइड किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर के बेसिस पे, क्या अवेबिलिटी है उसके बेसिस पे, और उसके अलावा जो एवरेज लाइफ ड्यूरेशन है टिम्बर का वो क्या था उसके बेसिस पे, एंड जो टिम्बर की पोजिशन क्या थी, यानी कि वो फेलिंग ट्री से अपने को ऑप्टेन हो रहा था या फिर लंपर से अपने को ऑप्टेन हो रहा था, उस अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाइड किया था। उसके बाद हमने देखा था क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, और उसके बाद में हमने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, जिसमें हमने सबसे पहले फेलिंग के बारे में, कि जो कोई भी ट्री है तो उसकी हम फेलिंग कब कर सकते हैं, यानी कटाई कब कर सकते हैं। उसके बाद में हम सीजनिंग देखा, यानी जो भी टिम्बर हमें मिलती है फेलिंग ऑफ ट्री से, तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राई अप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। उसके हमने मेथड्स डिस्कस किए थे। उसके बाद में क्या है कि जो टिम्बर हमें मिला है, जो लोग हमें मिला है फेलिंग ऑफ ट्री से, उसको हम क्या करते हैं, सुटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ट्री। उसके बाद हमने देखा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री, यानी जो भी टिम्बर है उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, और उसके कौन कौन से मेथड है वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर, कि टिम्बर में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए, जब टिम्बर को हम कन्वर्ट करते हैं
तब उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। जब हम उसकी सीजनिंग कर रहे हैं, मतलब उसको सुखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मॉइस्चर उससे क्या होगा, इवोपरेट होगा, तो उसमें क्या होगा, श्रिंकेज जनरेट होंगे। तो वो किस किस तरीके से उस टिम्बर को इफ़ेक्ट करेंगे वो देखेंगे, उसकी वजह से मतलब कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट आता है ड्यू टू फंगल अटैक। फंगल की वजह से उसमें क्या डिफेक्ट आ सकते हैं और नेचुरली उसमें कौन कौन से डिफेक्ट अराइज हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। फर्स्ट हम देखेंगे डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, इसमें आते हैं सेक्स, बल, अपसेट, फॉक्सिनेस, रिंडगल, एंड नोट्स। और भी होते हैं बट जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए सैक में क्या होता है कि जो एनुलर रिंग है, जैसे ये पित्त था, उसके बाद में ये जो सराउंडिंग जो रे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर रिंग या एनुलर रे। तो ये जो एनुअल रिंग है सैक में क्या होता है कि ये जो एनुअल रिंग है ये या तो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, तो उसको हम सैक बोलेंगे। अगर सैक के टाइप की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, वो है स्टार सैक, हार्ट सैक, कप सैक, रिंग सैक, ये सैक के टाइप है। सबसे पहले आपको जानना है कि सैक क्या होता है। तो सैक में जो एनुलर रिंग है, जो एनुअल रिंग है, वो पार्शियली या कम्प्लीटली क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और इसके अलग अलग क्या है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्टार सैक, हार्ट सैक, कप सैक एंड रिंग सैक। तो देखिए आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हो, जो स्टार सैक है ये क्या होगी, जो बार्क है, जैसे ये पिथ हो गया, ये हार्टवुड हो गया, सैपवुड हो गया, कैम्बियम लेयर हो गई और ये बार्क हो गया। तो ये बार्क से स्टार्ट होता है और सैपवुड तक ये एक्सटेंड करता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये बार्क पे तो इसकी जो विड्थ होती है, ये जो क्रेक है इसकी बार्क पे जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और सैपवुड की साइड इसकी जो विड्थ है वो कम होती है। ठीक है, ये तो कैम्बियम लेयर है ना, तो इसको सैपवुड तक एक्सटेंड करना है, तो इसको हम बोलेंगे स्टार सैक। हार्ट सैक में क्या होता है, हार्ट सैक में ये हार्टवुड, हार्ट सैक में जैसे ये हार्टवुड है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्या होगी, ये वाइडर होगी और बाहर की साइड ये क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टार सैक के जस्ट अपोजिट होती है। स्टार सैक को आपको ध्यान रखना है बार्क से स्टार्ट होकर और कहाँ तक एक्सटेंड होती है, सैपवुड तक होती है। जो हार्ट सैक है वो हार्ट से स्टार्ट होकर, जो हार्टवुड है वहाँ से स्टार्ट होकर और बार्क तक एक्सटेंड होती है। स्टार सैक में तो क्या था कि बार्क पे उसकी जो क्रेक की विड्थ थी वो ज़्यादा थी और सैपवुड की साइड उसकी विड्थ कम थी, और इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि हार्डवुड पे तो इसकी जो विड्थ आती है वो ज़्यादा होती है और बार्क पे इसकी जो विड्थ है वो कम आएगी। थर्ड हम देखते हैं कप सैक। कप सैक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई डिफेक्ट आ गया, यहाँ आ गया, तो ये इस तरीके से क्या है, जो एनुलर रिंग है उनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगा कप सैक। रिंग सैक में क्या होता है कि जो क्रैक्स आ रही है वो कंप्लीट
एनुलर रिंग को कवर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग सेक। तो ये सेक के क्लासिफिकेशन है। आगे हम देखते हैं बर्ल्ड। बर्ल्ड में क्या होता है कि कोई भी ट्री है वो अपनी यंग एज में अगर उसमें कोई इंजरी आ जाए तो उस केस में क्या होता है कि उस ट्री की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं हो पाती, वो अबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाता है, उसको हम बोलेंगे बर्ल। बाकी इसका डायग्राम दिया हुआ है वहाँ से आप समझ सकते हो। थर्ड इसमें है अपसेट। अपसेट में क्या होता है कि यंग एज में किसी भी ट्री में और जो इंजरी आती है उसकी वजह से इसका जो फाइबर होता है, इसमें आपको देखिए डिफरेंस देखना है, इसमें भी यंग एज में जो इंजरी आती है उसकी वजह से उसमें क्या होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो तो किस में आती है, बर्ल में आती है। और अगर यंग एज की इंजरी की वजह से जो वुड का फाइबर है उसमें कुछ क्रैक्स जनरेट हो गए या श्रिंकेज आ गए, वो किस में आएगा, अपसेट में आएगा। नेक्स्ट है फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस में क्या होता है, डिसकलरेशन होता है, जो सेफ है, जो टिम्बर का सेफ वुड है उसका क्या है, कलर चेंज हो जाता है और वो या तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं फॉक्सीनेस। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो डिफेक्ट आता है वो ओवर मेच्योर ट्री में आता है, जो ओवर मेच्योर ट्री होते हैं और जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता उस केस में क्या होता है, ये डिफेक्ट आता है। तो इसमें देखिए दो चीज़ आता है, एक तो क्या होता है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई भी टिम्बर है उसमें रेड कलर का या फिर अदर कलर का डिसकलरेशन हो रहा है तो वो डिफेक्ट कौन सा होगा, तो वो फॉक्सीनेस होगा। सेकंड जो आपसे पूछा जाए कि कोई भी टिम्बर है उसमें ओवर मेच्योरिटी और अनवेंटिलेशन की वजह से जो डिफेक्ट आ रहा है वो कौन सा होगा, तो वो भी फॉक्सीनेस होगा, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है रिंडगल एंड नोट्स। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये कोई ट्री है जिसका ये स्टीम है, तो रिंडगल में होता है कि यहाँ पे जैसे ब्रांच निकल रही है इस ट्री की, इस तरीके से इसको हमने इम्प्रॉपर तरीके से कट कर दिया, इम्प्रॉपर तरीके से कट कर दिया तो यहाँ एक वोंड बन जाता है, यानी घाव टाइप कुछ बन जाता है। फिर क्या होता है कि इस ट्री की जो सेफ वुड है वो इसको कवर कर लेगी, इस तरीके से एक स्वेलिंग हो जाएगी, यानी इसके बाहर की साइड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, पर यहाँ पे जैसे इसके कंपेरिजन में इसकी जो थिकनेस है या इसकी मोटाई है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिंडगल। नोट्स में क्या होता है कि कोई भी ट्री था, ये ट्री है, यहाँ पे इसकी ब्रांच को निकलना था, बट क्या है ये जो ट्री है इसके जो कैम्बियम लेयर है वो उसकी ग्रोथ को होने नहीं दे रही है, यानी कैम्बियम लेयर है वो इस ब्रांच को अंदर ही कवर करके रख रही है, उसकी ग्रोथ को बाहर नहीं आने दे रही है, तो यहाँ पे क्या है एक डार्क स्पॉट बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है कि ब्रांच को कट ऑफ करने के बाद जो वहाँ पे जो इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है उसको हम रिंडगल बोलते हैं। और नोट्स में क्या होता है कि जो भी ब्रांच का बेस है उसकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ की जो इस ट्री की जो कैम्बियम लेयर है वो इसको कवर करके रखती है और इसको बाहर की तरफ नहीं आने दे रही है, तो यहाँ पे क्या है एक डार्क स्पॉट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। नोट्स से रिलेटेड थोड़ा आपको और भी ध्यान रखना है, वो है कि नोट के साइज़ के बेसिस पे भी आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। तो नोट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल नोट, मीडियम नोट एंड लार्ज नोट। स्मॉल नोट में जो डायमीटर होता है वो 5 to 20 mm, मीडियम में 20 to 40 mm और लार्ज में ग्रेटर देन 40 mm। ये थोड़ा सा डेटा आपको ध्यान रखना है। जो नोट्स है वो ट्री की टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा अक्रॉस द ग्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। नोट है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है अक्रॉस द ग्रेन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए
कि टिम्बर है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में आती है, यानी मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो ज़्यादा फोर्स को रजिस्ट कर सकती है, तो वो होता है अलोंग द ग्रेन। ग्रेन के अलोंग जो टिम्बर की स्ट्रेंथ आती है वो मैक्सिमम आती है, और जो नोट है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है अक्रॉस द ग्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं डिफेक्ट ड्यू टू फंगल अटैक। फंगल अटैक के वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं उसमें है ब्लू स्टेन, ड्राई रोट, वेट रोट, व्हाइट रोट, ब्राउन रोट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लू स्टेन है इसमें क्या होता है कि फंगल अटैक की वजह से जो टिम्बर का सैपवुड है, सैपवुड, उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लू स्टेन। ड्राई रोट में क्या होता है कि अगर जो टिम्बर है उसकी प्रॉपर सीजनिंग नहीं हुई है, या फिर जहाँ पे उसको स्टोर किया है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उस केस में क्या होती है कि जो फंगल है इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं ड्राई रोट। देखिए ड्राई रोट की कंडीशन तो क्या होगी कि या तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर उनके जो टिम्बर हमने कलेक्ट की है उसका प्रॉपर सीजनिंग नहीं है, तो उस केस में जो फंगल है वो अटैक करके उसको क्या है ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई रोट। नेक्स्ट आता है वेट रोट। तो वेट रोट उस केस में अराइज होता है जब टिम्बर है उसके अल्टरनेट वेट एंड ड्राई हो रहा हो, मतलब पहले जैसे वेट हो रहा है, फिर ड्राई हो रहा है, फिर अगेन वेट हो रहा है, तो उस केस में क्या करती है फंगल इसको केमिकली डिकम्पोज कर देती है, केमिकली डिकम्पोज कर देती है, तो उसको हम बोलेंगे वेट रोट। व्हाइट रोट में क्या होता है जो लिग्निन है, लिग्निन को फंगल क्या कर देती है डिकम्पोज कर देती है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट रोट। और ब्राउन रोट में क्या होता है सेल्यूलोज को डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो आएगा ब्राउन रोट में। तो ये ध्यान रखना है। ड्राई रोट वेट रोट आप बहुत बार पढ़ा होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। वाइट में क्या होता है जो टिम्बर का लिग्निन है वो डिकम्पोज होता है बाय फंगल अटैक से, और ब्राउन रोट में टिम्बर का सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज कहाँ होता है पिथ में होता है, और इसका वर्क क्या होता है कि ट्री की यंग एज में उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको डिकम्पोज कर देता है। तो ये किसकी वजह से है फंगल अटैक की वजह से है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। जब हम टिम्बर को ड्राई कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, तो उसमें आता है बो, कप, रेडियल सेक, हनी कॉम्बिंग, ठीक है, इनका बस नाम ध्यान रखना है, बाकी थोड़ा इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये किस किस तरीके से आते हैं।